आज श्री आनंद कुमार जी प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार से 21 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की सचिवालय प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में वार्ता हुई। वार्ता में सरकार ने पानी व माइन निर्माण के लिए अपनी स्थिति स्पष्ट की। प्रमुख शासन ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री महोदय आपकी मांग को लेकर गंभीर है। सरकार ने माना आपकी बात और मांग बिल्कुल जायज है व मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है एटा सिंगरासर माइन का पूरा मामला। सरकार ने तय किया कि अगस्त के पहले सप्ताह में एडिशनल चीफ विनोद चौधरी व सिंचाई पानी के अन्य अधिकारी एटा सिंगरासर इलाके में आएंगे व पानी देने के प्रत्येक बिंदुओं पर समीक्षा करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में इलाके के 5 किसान भी शामिल रहेंगे। सरकार ने ये भी कहा कि थर्मल प्लांट के रिजर्व पानी में कितना पानी यूज में लिया जा रहा है और कितना पानी बाकी बचता है वह वर्ष 2010-11 में 22 करोड़ का जो बजट दिया था उस सोर्स से पानी देने पर सरकार विचार करेगी। सरकार ने भरोसा दिलवाया कि आपके इलाके को पानी देने के लिए सिंचाई विभाग वो सभी सोर्स तलाश कर रही है जिससे एटा सिंगरासर क्षेत्र के गांवों को पानी दिया जा सके। आज की वार्ता में प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार, एडिशनल चीफ सिंचाई राजस्थान सरकार, सिंचाई विभाग व इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आला अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरतगढ़, तहसीलदार सूरतगढ़ व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बातचीत बहुत ही सकारात्मक हुई है। श्री विजयनगर नगर पालिका एसआई के निलंबन के विरोध में सूरतगढ़ नगर पालिका कर्मियों की पेन व झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू। प्रशासन शहरों के संग शिविर भी प्रभावित। मानव सेवा समिति द्वारा सूरतगढ़ को जिला बनाओ का ज्ञापन माननीय श्रीमान उपखंड अधिकारी के मार्फत माननीय श्री राम लुभाया जी अध्यक्ष हाई पावर कमेटी राजस्थान सरकार जयपुर को दिया। समिति की मांग है कि बीकानेर संभाग में सूरतगढ़ की ऐसा स्थान है जहां सूरतगढ़ जिला बनाने के सभी मापदंड पूरे करता है और जन भावनाओं का आदर करते हुए सूरतगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की मांग करता है। July 2022 को राज्य सरकार की मंशा अनुरूप प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 द्वितीय चरण मुख्य चरण का वार्ड संख्या 21-22 का शिविर ब्राह्मण धर्मशाला सूरतगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें श्री कपिल कुमार यादव उपखंड अधिकारी, नोडल अधिकारी मां शून्य ओम प्रकाश कालवा अध्यक्ष, श्री सलीम मोहम्मद कुरैशी उपाध्यक्ष, श्री विजय प्रताप सिंह अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़, पालिका के समस्त अधिकारी कर्मचारी व संबंधित वार्ड पार्षदगण उपस्थित रहे। शिविर में कृषि भूमि नियमन के 20, स्टेट ग्रांट के 02-69A/01 पट्टा, इस प्रकार कुल 23 पट्टे व नामांतरण के 13 प्रपत्र जारी किए गए। इसके अतिरिक्त 22 आवेदन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के प्राप्त कर मौके पर ही निस्तारित किए गए।